नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक स्पेशल यूनिक कोड के साथ सेल वाउचर की सीरीज हम किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर हमें इस टाइप की हर सेल वाउचर की सीरीज अगर हमें कंटिन्यू क्रिएट करनी हो एक स्पेशल यूनिक कोड के साथ, तो हमें कौन कौन से ऑप्शन को इनेबल करना होता है और परफिक्स डिटेल्स क्या होती है और सफिक्स डिटेल क्या होती है, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने 1 अप्रैल 2022 से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी अकाउंटिंग शुरुआत करी है किसी कंपनी की, तो आपको जरूरत पड़ सकती है इस टाइप की सीरीज की। तो इस वीडियो हम कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे इस टाइप के सीरीज को हम टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इनेबल करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक नई कंपनी क्रिएट कर ली है। अभी तो कोई वाउचर की एंट्री भी मैंने इसमें पास नहीं करी है। और जब भी हम बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, वाउचर पे जाते हैं, एफ एड करके जैसे हम सेल वाउचर पे जाते हैं, तो हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी कि सीक्वेंस वाइज ऑटोमेटिक, जैसे एक इनवॉइस हमने पास कर दिया तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक आता रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्पेशल यूनिक कोड हमें यहाँ पर सीरीज स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली पे आना है, अल्टर पर हमें आना है। अल्टर पर आने के बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप पर, और वाउचर टाइप पर जाने के बाद हम जाएंगे सेल हमें सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें सेल की जो सीरीज है वो कंटिन्यू करनी है यूनिकोड के साथ। तो हम सेल पर जाएंगे और सेल पर जाने के बाद आपको इस ऑप्शन पे आ जाना है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग का। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ही रहने देना है, और ऑटोमेटिक पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद में यूज़ एडवांस्ड कॉन्फिगरेशन ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसको आपको यस करना है। जैसे हम इसको यस करेंगे तो कुछ इस तरीके की ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा केयरफुली इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम इस सेटिंग को किस तरीके से इनेबल करते हैं और कौन से ऑप्शन में हमें क्या कुछ देना होता है। क्योंकि जैसा कि हमने बात करी थी कि हम प्रीफिक्स डिटेल्स के बारे में और सफिक्स डिटेल्स के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, तो ये ऑप्शन आपको यहीं देखने को मिलेगा, ये प्रीफिक्स डिटेल्स और सफिक्स डिटेल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है भी स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर हमेशा हमारा नई फाइनेंशियल ईयर के साथ हमारा एक नंबर से ही स्टार्ट होता है, तो हमें सबसे पहले तो रख देना है एक नंबर। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। तो दोस्तों, ये होता है भी आपकी कंपनी के अंदर एस्टिमेटेड आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर को देख सकते हो भी आपके कितने इनवॉइस है जो सेल के तैयार होते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो अब यहाँ पर हमें वो कोड डालना पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया 4, तो 4 का मतलब क्या हो गया भी अब आपकी 4 डिजिट के साथ है जो सेल नंबर वापस आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। 4 नंबर का मतलब भी आप 0001 से लेके और 9999 तक, यानी कि लास्ट 4 डिजिट तक ही आप अपना सेल वाउचर की सीरीज रख सकते हो। अगर आपकी कंपनी की सेल सीरीज है जो ज़्यादा चलती है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 5 कर देते हो, तो 5 का मतलब हो गया अब एक इसके साथ में और 9 लग जाएगा, 9999 तक आप अपने सेल इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। और ये शुरुआत कहाँ से होगा, 4 टाइम 01 के से लेके और 9999 तक। तो ये आपको अपनी कंपनी की सेल के अकॉर्डिंग देख लेना है। चलो हम इसमें सेटिंग करते हैं 5 नंबर से, ठीक है। और 5 नंबर में सेटिंग करने के बाद में, यानी कि हमारी एस्टिमेटेड हम मान लीजिए 1 लाख तक हमारे सेल इनवॉइस हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 सेट करना होगा। 9000 मतलब अंडर 10000 तक रहता है, तो आपको यहाँ पर 4 सेलेक्ट करना है। और अगर हम 3 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो 999 तक, यानी कि एस्टिमेटेड 1000 तक। तो इस तरीके से हम इसको अपनी सेट कर सकते हैं। उसके बाद में फ्री फिल विद 0, तो अब इसमें यस या नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो क्या होगा और नो करेंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए जैसा कि हमने इसको यस कर दिया, तो यस करने से क्या होगा, अब आपकी जो डिटेल है उससे पहले हम इसको एक बार हटा देते हैं। अब मान लीजिए आपने एक
कोड तैयार कर लिया। कोड का मतलब हो गया जैसा कि हम शॉर्टकट कुछ स्टार्टिंग में हमारी कंपनी का नाम हम दे देते हैं, GST लगा देते हैं, फाइनेंशियल लिख देते हैं। तो जैसा कि हमने मैंने ये डेमो के लिए न्यू ईयर बनाया हुआ है 2022-23 का, जैसा कि मेरा स्टार्टिंग का कोड बन गया NNY, ठीक है। उसके बाद मैंने ओबलिंग, उसके बाद में जैसा कि मैंने यहाँ पे मेरा सेशन लिख दिया 2022-23 और फिर मैंने इसको ओबलिंग कर दिया, यानी कि इस टाइप की सीरीज मेरे को बनानी है। तो ये हमें ध्यान रखना, ये जो हमारी डिजिट है ये 16 अंकों से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि 16 हाईएस्ट हमारा GST के अंदर रहता है, अदरवाइज हमारी जो GST की रिटर्न है उसमें एरर आएगी। अब बात आती है भी अगर हम इस ऑप्शन को अगर यस करते हैं तो यस करने से क्या होगा, मान लीजिए आपकी सीरीज एक नंबर इनवॉइस किया आपने, तो ये आपको 4 टाइम जो जीरो है ये आपको साथ में दिखाई देगा, यानी कि 0000 फिर एक नंबर इनवॉइस आएगा। अगर हम इस इनवॉइस को ऑप्शन को हम यहाँ कर देते हैं नो, तो नो करने से क्या होगा, आपकी ये जो 4 जीरो है ना, ये 4 जीरो नहीं दिखेगी, इसकी जगह इस तरीके से ना ये 4 स्पेस आपको दिखाई देगा, यानी कि ये 0 0 वाला जो ऑप्शन है ना, इतना स्पेस है ये खाली रहेगा और आपको केवल एक दिखाई देगा, जो कि अच्छा नहीं लगता इनवॉइस के ऊपर। तो हम चाहते हैं यहाँ पर 0 भी शो हो, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को कर देते हैं यस। उसके बाद में आ जाता है रिस्टार्टिंग नंबर, एप्लीकेबल कब से करना है, तो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर जैसे कि 1/2022 से स्टार्ट है तो 1/2022 कर देंगे। स्टार्टिंग नंबर हमें एक से ही रखना है, यानी कि अगर 5 हम रख रहे हैं तो 4 टाइम 0 1, और ये हमारा पर्टिकुलर 1 साल के लिए रहता है। हम आप चाहो तो मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय कायदा ये मंथली होता नहीं है, ये ईयरली ही होता है। और उसके बाद में डिटेल आ जाएगी प्रीफिक्स डिटेल, प्रीफिक्स डिटेल भी हमारा 1 अप्रैल 2022 से हमें सेट करना है। और उसके बाद में पर्टिकुलर, अब पर्टिकुलर में हमें यहाँ पर क्या देना होगा, पर्टिकुलर में आपको देना होगा जो आपकी कंपनी के कोड है, जैसे कि ये आ गया NY आपकी कंपनी का नाम आ गया शॉर्टकट, उसके बाद में स्लैश 2022-23 आपने फाइनेंशियल ईयर लिख दिया, फिर ओबली लिख दिया। तो यानी कि ये इतनी जो डिटेल है ना हमारी, ये हमारी इस पर्टिकुलर में आएगी। जैसे इसको हमने कॉपी कर लिया, आप चाहो तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया NY/2022-23 और उसके बाद में ये सिलेक्शन निशान आपको वापस लगाना है, एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये कोड आएगा, उसके बाद के अंदर आपका 4 टाइम 0 और 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये तो था प्रीफिक्स का मतलब होता है भी आपको इस सीरीज के अंदर अगर आपको नंबर लिखना हो तो, जैसे कि हम लिखते हैं, और इस सीरीज के अंदर अगर आपको ये नंबर लगाना हो तो। और सफिक्स डिटेल का मतलब आ गया भी आपको अगर इसका अपोजिट तैयार करना हो, अपोजिट का मतलब भी मान लीजिए आपको इस तरीके से तैयार करना हो भी, आप चाहते हो भी इनवॉइस का नंबर है वो तो आए पहले और उसके बाद में आए NY फिर स्लैश 2022-23 इस तरीके से, यानी कि इसका अपोजिट हो जाना चाहिए। तो अगर आप इस टाइप की अगर आप सेटिंग चाहते हो तो आपको ये जो डिटेल है ये आपको इस सफिक्स के अंदर डालनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनी का कोड, फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद में इनवॉइस नंबर की डिटेल है जो हमारी स्टार्ट होती है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो सेटिंग होती है ज़्यादातर कंपनियां वो प्रीफिक्स डिटेल के अंदर इसको सेटिंग करती है। अदरवाइज दोनों में डिफरेंस यही है भी आपकी सीरीज सफिक्स प्रीफिक्स डिटेल में तो इस टाइप से चलेगी और सफिक्स की कंडीशन के अंदर आपका इस टाइप से रिकॉर्ड चलेगा। तो हम इसको कर देते हैं ओके और इंटरप्रेस करते हैं हम इसको विंडो को कर देंगे एक्सेप्ट कंट्रोल ए के साथ। तो वापस हम जाते हैं वाउचर पे, और वाउचर पे जाने के बाद आप देख रहे हो ये डिटेल आ गई NY 2022-23/4 टाइम 0 1। अब जैसा ही हम एक इनवॉइस यहाँ पर हम पास कर देते हैं, जैसे कि हमने एक कोई आइटम बना ली आइटम 1 के नाम से, और यूनिट हमने इसको एक बार पीसेस कर दिया, और GST वगैरह एक बार हम कुछ नहीं कर रहे, इसको क्वांटिटी एक एक डाल के 100 रुपीज़ इसको कर दिया, और सेल का इनवॉइस लेज़र हमने क्रिएट कर दिया और एंटर पास कर दिया। जैसे हमने एक इनवॉइस पास कर दिया तो आप देखो ये 2 नंबर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारी प्रीफिक्स की डिटेल और सफिक्स की डिटेल सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको प्रीफिक्स की डिटेल की जगह सफिक्स डिटेल करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले एक जो सेल वाउचर है इसको हम कर देते हैं डिलीट यहाँ से, और उसके बाद में वापस एल्टर पे हम चलते हैं और वाउचर टाइप पे जाएंगे, और उसके बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे यस, सब कुछ सेम रखेंगे। और उसके बाद के अंदर ये जो डाटा है हमारा इसको हम यहाँ से हटा देंगे,
और एप्लीकेबल डेट को भी हटा देंगे और उसके बाद में 1/4/2022 हम यहाँ डालेंगे और उसके बाद में जो हमारी डिटेल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये यहाँ डाल देना है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना आपको वैसे ही पड़ेगा। एंटर एंटर प्रेस करेंगे। अब इसमें क्या होगा, वापस हम सेल वाउचर पर चलते हैं और जैसे हम सेल वाउचर पर चलेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन ये दिखाई देगा। उससे पहले हम यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा, वाउचर टाइप पे सेल सेलेक्ट कर लिया, यस कर लिया और उससे पहले हमें स्टार्टिंग शुरुआत के अंदर ही हमें ये स्लैश का निशान है जो देना पड़ेगा और इसके जो एंड के अंदर है वो उसको हम हटा देंगे। कंट्रोल ए के साथ आप सेट करेंगे, वापस हम वाउचर पे जाएंगे और सेल पे जाएंगे तो आप देख रहे हो अब इस टाइप का आपका सीरीज तैयार हो जाएगी। अब इनवॉइस नंबर सबसे पहले आएगा और आपने जो कोड तैयार किया है वो आपके इनवॉइस नंबर के बाद में शो करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीफिक्स डिटेल और सफिक्स डिटेल, यानी कि सेल वाउचर के अंदर हमें एक स्पेशल यूनिक कोड की सेल वाउचर की सीरीज किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें।